हेलो साथियों कैसे आप सभी लोग मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने चेहते और प्रिय परिवार एग्जाम्पुर में दोस्तों तो एक बार सभी साथियों को गुड इवनिंग साथी कैसे आप सभी लोग जल्दी से जल्दी बताएगा हां जी कैसे आप सभी लोग थोड़ी सी तनकी सी क्लासवा लेट हो गया ठीक है तनकी सी क्लासवा लेट हो गया कोई बात नहीं साथी जल्दी से सभी के सभी बढ़ जाएगा ठीक है चलेगा तो एक बार जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी के सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिए ठीक है शुरुआत में ही क्लास को शेयर कर दीजिए और शानदार तरीके से पढ़ते हैं नमस्कार सभी साथियों को चलेगा तो बोलते हैं ना अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है ठीक है अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो सपनों को पूरा करना है साथी तो इस रातों से हमें लड़ना पड़ेगा क्या इस रातों से लड़ना पड़ेगा और तुम क्या करते हो रातों में बातों करते हो यही करते हो ना बकैती करते रहते हो पढ़ते समय भी बकैती फिर पढ़ने के बाद भी बकैती बकैती करते करते सोते हो तो याद रखेगा ये मजाक में नहीं कर रहा हूं सती इसको सीरियसली थोड़ा लीजिएगा थोड़े समय तक हम अपने आप को पूरे के पूरे तरीके से सीरियस हो जाते हैं वो याद है कि नहीं नीरज चोपड़ा उनका क्या बयान आया था कि जब तक मैंने प्रैक्टिस किया पिछले एक सालों से मैंने मोबाइल को ये सारे चीजों को सोशल नेटवर्किंग वगैरह से दूर रखा हूं तो अभी सारे चीजों को जो लगता आपको है आपको डिस्टर्ब करता उससे दूर रहिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मोबाइल से दूर रहिए दूर रहिए ये जो फालतू में बातें सोना मोना टोना गोना फोना होता है ना तो उनको गोना गोवेंट गोन कर दीजिए फिर उसके बाद वो खुद आएंगी एक बार ना यहां पे वर्दी लग जाएगी ना तो वो खुद आएंगी पूछने जाएंगी जो कोई आपसे पूछता नहीं है ना तो आकर मतलब जब हाथों में देखेंगे ना ज्वाइनिंग लेटर आके रास्ते में क्या है ये वॉट इज दिस तो जो पहले अभी आपको भाव नहीं देता है तो नौकरी के बाद भाव मिलने लगेगा टेंशन मत लीजिएगा चलेगा तो याद रखिए साथी हम लोग को बातों से नहीं रातों से लड़ना है और कौन कौन तैयार है बातों से इस रातों से लड़ने के लिए अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो इस सपने को पूरा करना है साथी तो हमें क्या करना पड़ेगा रातों से रातों से थोड़ा बचना पड़ेगा बातों नहीं करनी पड़ेगी और पूरे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा चलेगा बढ़ते हैं साथी आज के पहले प्रश्न की तरफ आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं चलेगा हाल ही में किस जानवर को लद्दाख के राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया हाल ही में किस जानवर को सती लद्दाख के राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया अगर आपको बात बता दू चलेगा लद्दाख को <coughs> लद्दाख को राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया चलेगा नमस्कार सभी साथियों को शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेकर पहला प्रश्न तो जैसे कि अगर आपको पता होगा सती लद्दाख ठीक है इकतीस अक्टूबर दो को क्या लद्दाख सती इकतीस अक्टूबर इकतीस अक्टूबर 2019 को 2019 को क्या किया था यह केंद्र शासित प्रदेश हुआ था तो यहां पे कुछ नई नई चीजें आती है क्या नई नई चीजें आ रही है ठीक है तो यहां पे साथी क्या, क्या किया गया राजकीय पशु ठीक है राजकीय पशु हिम तेंदुआ जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में स्नो एसनोलिपोर्ट तो इस हिम तेंदुआ को चलेगा इस हिम तेंदुआ को साथी हिम तेंदुआ को हिम तेंदुआ को क्या किया, किया गया राजकीय पशु के रूप में जबकि अंग्रेजी में स्नो जबकि आपके itu? पास क्या हो जाता है यह आपके पास हो जाता है ठीक है ब्लैक नेक्ड क्रेन ठीक है ब्लैक नेक्ड क्रेन ब्लैक नेक्ड क्रेन तो काली गर्दन वाली साथी क्रेन ठीक है तो याद रखिएगा, ब्लैक नेक्ड क्रेन क्या हो जाती है यहां पे पक्षी तो पक्षी किसको किया गया काली गर्दन वाली क्रेन को किया गया था और जबकि हिम तेंदुआ को राजकीय पशु के पशु अगर मैं बात करता हूं ये ब्लैक नेक्ट क्रेन साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी है कहां पे जम्मू कश्मीर का भी राजकीय पक्षी हो जाते हैं जबकि हिम तेंदुआ बताइए और किस राज्य का राजकीय पक्षु है तो याद रखेगा यह साथी हिमाचल प्रदेश का भी कहां पे हिमाचल प्रदेश का भी जो राजकीय पशु है ना क्या है ये हिम तेंदुआ है का हिम तेंदुआ अगर मैं आपसे यही पूछता हूं कि प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ कब लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ जल्दी से बताएगा प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ कब लॉन्च किया गया था हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड कब लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड कब लॉन्च किया गया था जल्दी से बताएगा प्रोजेक्ट साथी स्नो लिपर्ड कब लॉन्च किया गया था तो 2009 में क्या 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड लॉन्च किया गया था अगर आपसे यह पूछेगा कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया है भारत का पहला भारत का पहला भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पे खोला गया बताएगा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जल्दी से बताएगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया इंडिया फर्स्ट हिम तेंदुआ सेंटर स्नोलिपड कंजर्वेशन सेंटर अंग्रेजी में बोले तो क्या स्नो लिपड कंजर्वेशन सेंटर चलेगा तो ये कहां पे उत्तराखंड में खुला गया कहां पे उत्तराखंड में खुला गया 2009 याद रखिएगा 2009 में प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ तो हिम तेंदुआ चर्चा में आ गया क्या हिम तेंदुआ अब चर्चा में आ गया तो इसलिए इसके बारे में ये चीजें याद रखिएगा क्या इसलिए इसके बारे में चीजें याद रखिएगा चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लद्दाख के बारे में कौन सा कथन गलत है क्या लद्दाख के बारे में कौन सा कथन गलत है विच ऑफ द्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द लद्दाख ठीक है लद्दाख के बारे में कौन सा कथन गलत हो जाता है चलेगा लद्दाख के बारे में कौन सा कथन गलत हो जाता है इकतीस अक्टूबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश बना राधा कृष्ण माथुर इसके उपराज्यपाल हो जाते हैं लोसांग यहां का नौ वर्ष त्यौहार है लोसांग यहां का नौ वर्ष त्यौहार है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट ऑफ द रोंग अबाउट द लद्दाख क्या लद्दाख के बारे में कौन सा कथन गलत है एक बार भैया सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ठीक है चलेगा

क्यों गलत है तो ध्यान से सुनिएगा जो एक इकतीस अक्टूबर दो हजार उन्नीस को बना था ठीक है यह कब बना था इकतीस अक्टूबर दो हजार उन्नीस अक्टूबर दो हजार उन्नीस को ओ भाई साहब क्या हुआ हैंग कर रहा है क्या चलेगा चलेगा चलेगा, चलेगा।, चलेगा। पे दोनों दर गलत हो जाता है क्योंकि इस पे एक राज्य था जम्मू कश्मीर क्या था, था। जम्मू कश्मीर क्या था, क्या था? एक पहले राज्य था और यहां पे किस अनुच्छेद के तहत यहां पे एक स्पेशल पावर दी गई थी किस अनुच्छेद के तहत स्पेशल पावर दी गई थी तो आर्टिकल 370 था यहां पर आर्टिकल 370 के तहत यहां पे स्पेशल पावर था ठीक है आर्टिकल 370 के तहत ये जो स्पेशल पावर है कब हटा दिया गया 5 अगस्त 2000, 5 अगस्त 2019 को ये स्पेशल पावर क्या कर दिया गया हटा दिया गया क्या हटा दिया गया ठीक है फिर ये जम्मू कश्मीर साथी जो राज्य था उसको 31 अक्टूबर कब 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया एक लद्दाख करके और एक जम्मू एंड कश्मीर ठीक है एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर करके बना दिया गया और जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे इनका नाम था जीसी मुर्मू क्या जीसी मुर्मू था जबकि लद्दाख के जो बने थे कौन बने थे सती राधा कृष्ण माथुर बने थे क्या राधा कृष्ण माथुर बने थे राधा कृष्ण माथुर बने थे हाँ जी तो यहां पे तो ये वाला गलत था ठीक है सी वाला भी गलत हो जाता क्योंकि लोसांग जो नौ वर्ष है ये लोसांग साथी नौ वर्ष कहां का हो जाता है जल्दी से कमेंट करके बताया लोसांग किस राज्य का नौ वर्ष हो जाता है जबकि याद रखिएगा लोसार करके लोसार साथी लद्दाख का नौ वर्ष त्यौहार हो जाता है लोसार 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 लद्दाख का, वर्ष लोसार का वर्ष नौ वर्ष त्यौहार है ठीक है लोसार लद्दाख का नौ वर्ष त्यौहार है नौ वर्ष त्यौहार है ठीक है नौ वर्ष त्यौहार हो जाता है जबकि लोसांग कहां का हो जाता है जल्दी से बताएगा तो लोसांग किस राज्य का नौ वर्ष त्यौहार है लोसांग किस वर्ष का नौ वर्ष त्योहार है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा लोसांग की बात कर रहा हूं ठीक है लोसांग किस वर्ष का चलेगा तो लोसांग लद्दाख का नहीं ये सिक्किम का कहां पे लोसांग साथी सिक्किम का नौ वर्ष त्योहार हो जाता है सिक्किम का नौ वर्ष त्योहार हो जाता है लोसांग कहां का सिक्किम का नौ वर्ष त्यौहार हो जाता है चलेगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है निम्नलिखित में से कहीं कौन सा सही सुमिलित नहीं है यहां पे आपको क्या दिया होगा क्या दिया हुआ रामसर स्थल दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है है ठीक रामसर स्थल दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है कौन सा सही सुमिलित नहीं है रामसर स्थल दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है ठीक है रामसर स्थल दिया हुआ है और राज दिया हुआ ठीक है, है, है।, है, 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 है जल्दी से बताएगा सती कौन सा सही सुमिलित नहीं एक बार जल्दी से देख लीजिए और जवाब बताइए ये रामसर साइट के बारे में तो सबसे पहले बताइए कि भारत में कितने रामसर साइट हो जाते हैं भारत में कितने रामसर साइट हो जाते हैं जब तक इसका जवाब आते हैं तब तक साथ इस फाइल को फिर से मैं दोबारा खोलता हूं क्योंकि ये हैंग कर रहा है है ठीक इस फाइल को दोबारा खोलने की कोशिश करता हूं ठीक है एक बार फिर से बताइए भारत में कितने रामसर साइट हो जाते हैं भारत में साथ वर्तमान में टोटल कितने रामसर साइट हो जाते हैं टोटल कितने रामसर साइट हो जाते हैं जल्दी से बताइएगा यार ये तो हैंग कर रहा है चलेगा टोटल कितने रामसर साइट हो जाते हैं देखते हैं कोशिश करते हैं थोड़ा सा यार क्लास गड़बड़ ना हो चलेगा ये सवाल आपके पास है ठीक है टोटल रामसर साइट पहले बताए टोटल क्या बताइए रामसर साइट, ठीक है रामसर साइट बताएगा चलेगा तो रामसर साइट की बात करते हैं तो भारत में साथी टोटल वर्तमान में कितने रामसर साइट है तो भारत में जो वर्तमान में टोटल रामसर साइट हो जाते हैं छियालीस हो जाते हैं क्या छियालीस हो जाते हैं ये बाद में देखेंगे आपसे पूछा है इसमें से कौन सा गलत है कौन सा गलत है बताएगा तो लोनार झील कहां पर हो जाता है लोनार झील कहां पर हो जाता है महाराष्ट्र में हो जाता है लोनार झील कहां पर महाराष्ट्र में हो जाता है सूर सरोवर सुर सरोवर कहां पे हो जाता है तो ये सुर सरोवर साथी बिहार में नहीं होता बिहार में नहीं हो जाता यह कहां पर हो जाता है? उत्तर प्रदेश का कहां पे सूर सरोवर जिसको कीथम झील भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश का आसन बैराज उत्तराखंड का थोल झील कल ही बताया था ये थोल झील कहां पे साथी हो जाता है गुजरात का हो जाता है गुजरात का हो जाता है गुजरात का हो जाता है एक बार पूरा का पूरा रामसर साइड जानना चाहते हैं एक बार पूरा का पूरा रामसर साइड एक बार पूरा का पूरा देखिए रामसर साइट देख लेते हैं ठीक है पूरा का पूरा साथी क्या देख लेते हैं एक बार रामसर साइट के बारे में जान लेते हैं रामसर साइट के बारे में पूरा का पूरा एक बार जान लेते हैं भैया मैं तो आज तो चलेगा एक बार पूरा का पूरा साथी रामसर साइट के बारे में जान लेते हैं यार चलेगा एक बार पूरा का पूरा रामसर साइड अगर मैं रामसर साइड की बात करता हूं रामसर साइट ठीक है रामसर 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 साइट तो सबसे याद जो 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 ये ये शब्द शब्द है 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 में में साथी एक शहर का जग नाम क्या रामसर एक शहर का नाम है बताइए किस शहर का नाम है या बोल सकते हैं किस शहर में एक्चुअली रामसर रामसर एक शहर का नाम है जो कि किस देश में है ये ईरान में हो जाता है कहां पे ईरान में और यहां पे ईरान में क्या हुआ था आर्द्र भूमि को लेकर एक समझौता हुआ था जिसको कि रामसर कन्वेंशन बोलते हैं क्या रामसर कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन बोलते हैं और ये रामसर क्या हुआ था रामसर कन्वेंशन हुआ था रामसर कन्वेंशन हुआ था ये रामसर कन्वेंशन कब हुआ था दो फरवरी दो फरवरी उन्नीस का हुआ था देखिएगा आर्द्र भूमि को बचाने के लिए थोड़ा सा साथी थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक चीज है अभी हैंग करा सुबह से चल रहा है ना इसके तरह के से हैंग करा होगा तो उसको थोड़ा सा इसको इग्नोर मारिएगा शांत से पढ़ते रहेगा ठीक है ठीके? रामसर कन्वेंशन दो फरवरी उन्नीस फरवरी इकहत्तर को रामसर कन्वेंशन हुआ था जिसमें भूमि को लेकर संरक्षण के लिए ठीक है इसीलिए हर साल पहले हम लोग क्या मनाते हैं हर वर्ष इसीलिए हर साल दो फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं विश्व आद्र भूमि दिवस मनाया जाता है क्या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं तो सवाल पूछेगा वर्ल्ड वेटलैंड डे विश्व आद्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? विश्व आद्र भूमि दिवस कब मनाते हैं तो हर साल दो फरवरी को मनाते हैं और इस बार 2021 में इसकी थीम क्या रही थी जल्दी से बताइएगा तो विश्व आद्र भूमि दिवस का इस बार थीम क्या रही थी ठीक है विश्व आद्र भूमि दिवस की थीम क्या रही थी तो वाटर एंड वेटलैंड ठीक है पानी और आद्र भूमि वाटर एंड वेटलैंड इसकी थीम रही थी चलेगा वाटर एंड वेटलैंड अब हम लोग देखते हैं

दूसरे स्थान पे छे पंजाब में दूसरे स्थान पे छे हो जाते हैं पंजाब में ठीक है अब हाल ही में क्या हुआ हाल ही में चार रामसर साइट जुड़े हैं ठीक है हाल ही में क्या हुआ चार रामसर साइट जुड़े हैं वो चार कौन कौन से हो जाते हैं याद रखेगा चार रामसर साइट हाल ही में कौन कौन से जुड़े जल्दी से बताएगा चार क्या हो जाते हैं हाल ही में जुड़े हैं रामसर साइड चलेगा तो जो चार की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा सुल्तानपुर और भिंडवास बने जीवाभ्यारण सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये चार जो जुड़े हैं याद रखिएगा मैं आपसे बात कर रहा हूं कैसे ठीक है मान लीजिए छियालीस जो है छियालीस पैंतालीस चौवालीस और तैतालीस की बात कर रहा हूं तो सुल्तानपुर सुल्तानपुर नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडवास वन्यजीव अभियारण्य भिंडवास वन्यजीव अभियान सुल्तानपुर नेशनल पार्क भिंडवास वन्यजीव अभियान आपसे सवाल पूछेगा कि सुल्तानपुर को हाली में रामसर साइट में जोड़ा गया सुल्तानपुर को दोस्त हाली में रामसर साइट में जोड़ा गया भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण को हाली में रामसर साइट में जोड़ा गया यह कहां के हो जाते हैं यह हरियाणा के हो जाते हैं यह कहां के हो जाते हैं हरियाणा के हो जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद पैंतालीस छियालीस की बात करता हूं तो थोल थोल झील हो जाता है थोल झील और उसके बाद साथी क्या झील और बंधवाना झील करके हो जाता है झील और बंधवाना बंधवाना झील करके हो जाता है बंधवाना झील और बंधवाना झील करके हो जाता है ये कहां पर जाता है झील और बंधवाना झील तो याद थोल झील और बंधवाना वेटलैंड करके बांधवाना वेटलैंड करके चलेगा झील और बंधवाना वेटलैंड करके कहां पर जाता है गुजरात में हो जाता है तो ये जरूर याद रखिएगा जो हाल ही में जोड़ा गया है ना उसको आप लोग को याद रखना है जो हाल ही में जोड़ा गया उसको आप लोग को याद रखना चलेगा अगर फिर इसके बारे में ये तो हाल ही में जुड़ा है ये दस पहले दस बारह पंद्रह दिन की पहले की बात है अगर मैं पूछता हूं कि इससे पहले ठीक है हमने टोटल कितना देख लिया चौवालीस देख लिया फिर उसके बाद देखते हैं सती किसका उसके बाद हम लोग देखते हैं बयालीस ठीक है बयालीस इकतालीस चालीस उनतालीस और अड़तीस ये भी हाल ही में पिछले साल जुड़ा था ठीक है पिछले साल वो भी नवंबर दिसंबर में जुड़ा था क्या पिछले साल नवंबर दिसंबर में जुड़ा था तो आसन बैराज कहां कार हो जाता है आसन बैराज यह किस राज्य का रामसर साइट है और यह उस राज्य का पहला हो जाता है फिर उसके बाद काबर झील क्या कावर झील या किस राज्य का हो जाता है कावर झील या कावर ताल झील जिसको बोलते हैं फिर इसके बाद लोनार झील कहां का हो जाता है लोनार झील आपसे सवाल कैसे कैसे पूछेगा मैं बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा ठीक है इसके बाद साथी किथम झील या जिसको सूर सरोवर झील भी बोलते हैं किथम या सूर सरोवर झील भी बोलते हैं सूर सरोवर बोलते हैं किथम या सूर सरोवर झील भी बोलते हैं और बयालीसवा जुड़ा था सोकर झील ठीक है सोकर झील सोकर झील ठीक है, जी आपसे सवाल देखिएगा सबसे पहले तरीके का सवाल क्या पूछेगा पहले तरीके से जो आपसे सवाल पूछेगा यहां पे जो भी चीजें दिया हुआ है कि आसन बैराज को हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया या किस राज्य में हो जाता है एक ये सिंपल सा सवाल पूछेगा काबरताल झील को जोड़ा गया यह किस राज्य में हो जाता है दोस्त लोनार झील को इस तरीके से एक आपसे दे देगा मिलान करने के लिए यह सबका दे देगा और इनके सामने राज्यों का नाम लिख देगा पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है जिस तरीके से अभी आपको सवाल बनाया था ठीक है जो आपको ये सवाल बना कर लाया था एक इस तरीके से प्रश्न दे देगा दे दे ठीक है एक इस तरीके से प्रश्न दे देगा दे 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 चलेगा तो हमने देख लिया जो चार हाल ही में जुड़े हुए सुल्तानपुर भिंडवास बन जीव अभ्यारण सुल्तानपुर भिंडवास बन्य जीव अभ्यारण हरियाणा में थोल बंधवाना गुजरात में ठीक है मैं आप लोग को याद करवा दूंगा पूरा का पूरा बस डेली बने रहेगा ठीक है आसन बैराज ये उत्तराखंड का हो जाता है काबर ताल या काबर झील ये याद रखेगा बिहार में हो जाता है कहां पे बिहार में हो जाता है ठीक है लोनार झील साथी ये महाराष्ट्र का हो जाता है कहां पे महाराष्ट्र का हो जाता है सुर सरोवर या जिसको कीथम बोलते हैं क्या सुर सरोवर या जिसको कीथम बोलते हैं ये उत्तर प्रदेश का हो जाता है कहां पे उत्तर प्रदेश का जबकि सोकर झील कहां का हो जाता है लद्दाख का हो जाता है कहां पे लद्दाख का पे हो जाता लद्दाख का तो ये तो हो गया हाल ही में हमको पूरा का पूरा पहले ये याद रखना पे हाल ही में हमको पूरा का पूरा याद रखना और यहीं पे साथी अगर मैं पूछता हूं भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था जल्दी से बताएगा भारत का पहला रामसर साइट भारत का पहला अभी रामसर साइट ही चल रहा है ध्यान रखिएगा भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था भारत का पहला रामसर साइट यहां पे भी लोग ना पेपर में अलग अलग तरीके से पूछता है ध्यान से सुनेगा जो भारत का पा... यहां पे ध्यान से सुनेगा जो भारत का पहला रामसर साइट था वो दो एक साथ जुड़े थे एक तो था चिलिका झील चिलिका झील ये कहां का, का हो जाता है उड़ीसा का हो जाता है चिलिका झील उड़ीसा चलेगा एक हो जाता है साथी केवला देव ठीक है चिलिका झील और केवला देव ये दोनों भारत का पहले रामसर साइड मतलब कि दोनों एक साथ जुड़े थे ठीक है ये कहां का हो जाता है कहां का हो जाता है राजस्थान का हो जाता है कहां पे राजस्थान का अब मेरे प्यारे भाई एक यहां पे थोड़ा सा ना थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ वाली बात है ठीक है गड़बड़ वाली क्या बात है थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा जब आपके पास पेपर होगा और पेपर में जब ऑप्शन दे देगा चिलिका झील देगा पूछेगा कि भारत का पहला रामसर साइट कौन है ए ऑप्शन देगा बी ऑप्शन देगा सी देगा और डी देगा ठीक है एक तो ऐसे दे देगा एक अगर ऐसे देगा कि ए बी सी फिर बोथ और नन जब इस तरीके से ऑप्शन देगा जो मैं बता रहा हूं आपको ध्यान से सुनेगा जब इस तरीके से ऑप्शन देगा तब आपको जवाब देना है बोथ पर दीजिएगा ठीक है जब इस तरीके से जवाब दीजिएगा तब बोथ पे लेकिन एक बार पेपर में आ चुका है पता है क्या चार अलग अलग रामसर जैसे दे दिया था यहां पे भी कुछ नाम लिख दिया था मान लीजिए कि यहां पर चिलिका यहां पर कुछ लिख दिया रेणुका लिख दिया यहां पर कुछ फलाना जो भी कुछ लिख दिया ठीक है एक इस तरीके से अभी पेपर पूछा था ऑप्शन में केवला देव भी दिया था और दिया था चिलिका झील भी दिया था तब यहां पे आप क्या करोगे दोस्त तब यहां पे क्या करोगे तब यहां पर टिक किस पे मारोगे तब यहां पे प्रायोरिटी दोगे चिलका झील को दोगे और ये चिलका झील पे टिक किया गया था और एग्जामिनर ने इसको सही माना था क्यों सही माना था रीजन ये कि यहां पे सबसे बड़ा है और या तो हो सकता है जिस दिन जोड़ा जा रहा होगा तो एक सेकंड होता है ना जुड़ा हुआ बच्चा भी पैदा होता है तो एक ही बार थोड़े पैदा होते हैं एक पहले होता है फिर दूसरा होता है ऐसा होता है ना तो उसी तरीके से तो याद रखेगा मैं कहना क्या चाहता हूं जब चिल्का झील और केवला देव बोथ नाम देगा तो बोथ पे टिक मारिएगा मेरी बातों को समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं मेरी बातों को समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाहता हूं बस ये बताइएगा जब साथी ऐसे देगा फिर जब नाम चारों के चारों दे देगा तो चिलिका झील पे मारेगा क्या चिलिका झील पर मारेगा तक क्लियर रखेगा ठीक है दो सारी चीजों को एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर रखना क्रिस्टल क्लियर रखना है चलेगा अब पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा हो जाता है सबसे बड़ा रामसर साइट एक सवाल पूछेगा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा हो जाता है सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा हो जाता है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन हो जाता है और सबसे छोटा सबसे छोटा कौन सा हो जाता है तो याद रखेगा जो सबसे बड़ा रामसर साइट हो जाता है यह चिलिका झील हो जाता है कहां पे चिलिका झील जो कि उड़ीसा में है चलेगा सबसे छोटा रेणुका झील है क्या पे सबसे छोटा रेणुका झील है बताइए रेणुका झील किस राज्य में है रेणुका झील किस राज्य में हो जाता है सबसे छोटा रेणुका झील सबसे छोटा रेणुका झील बताएगा किस राज्य में हो जाता है सबसे छोटा रेणुका झील किस राज्य में हो जाता है रेणुका झील बताना दोस्त रेणुका झील किस राज्य में हो जाता है सबसे छोटा रेणुका झील याद रखिएगा रेणुका झील हिमाचल प्रदेश का हो जाता है कहां पे रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में हो जाता है ये भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश में हो जाता है हिमाचल प्रदेश में चलेगा हिमाचल प्रदेश में हो जाता है अच्छा ये वाला प्रश्न जो मैंने बताया किसको किसको समझ में आया जो ये वाला मैं बोल रहा था ठीक है ये वाला जो चिलिका केवला दे पहला रामसर साइड वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा था वो कौन वाला ठीक है एक वो के लास्ट वाला सबसे कौन सा था अभी लास्ट में तो जुड़ा ना चार ठो अभी क्या बताया हाल ही में चार ठो जुड़ा ना लास्ट में ये जुड़ा ये प्रश्न नहीं पूछेगा चार जुड़ा हाल ही में अभी चार ठीक है ये एक ही साथ जोड़ा गया था चार को एक ही दिन जोड़ा गया था इससे पहले सोकर बयालीसवा था अरे जो पहला बताया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं पेपर में आएगा तो गड़बड़ तो नहीं कीजिएगा ना सती किसी भी तरीके से पूछेगा तो यहां पे गड़बड़ तो नहीं करोगे ना चलो अगला सवाल आपके पास आ जाता है ठीक है अगला सवाल आ जाता है ठीक है अगला सवाल आपके पास आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है विच ऑफ दॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विच ऑफ दॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अब ये मत देखना दोस्तों, अभी कोई भी ये मत बोल देना कि अभी आधे घंटा में बस तीन ही क्वेश्चन कराया ठीक है आधे घंटा में तीन क्वेश्चन कराया ये मत बदलना ठीक है चलेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाता है यहां पे आपको एनिमल दिया गया और उसका साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम दिया गया एनिमल और वैज्ञानिक नाम दिया गया है, है। इसमें से कौन सा सही तो नहीं है स्नो का वैज्ञानिक नाम है गाय का नाम, गाय का का वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम नाम माता दिया गया है लायन का वैज्ञानिक नाम दिया गया है टाइगर का वैज्ञानिक नाम दिया गया है आपको यहां पे बताना है साथी कि कौन सा कौन सा वैज्ञानिक नाम गलत हो जाता है ठीक है कौन सा वैज्ञानिक नाम इसमें गलत है किस जानवर का तो याद रखेगा स्नोलिपर्ड हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा मारा होगा लायन का पैंथोरा लिया लायन का लिया हो जाता है टाइगर का क्या हो जाता है पैंथेरा टाइग्रिस हो जाता है क्या पैंथेरा टिग्रिस हो जाता है तो यह भी सही हो जाता है जो आपका गलत हो जाता है टाइगर गाय का गाय का साथी क्या हो जाता है गाय का ये बुबलस बुबलिस नहीं हो जाता ठीक है बुबलस बुबलिस नहीं हो जाता क्योंकि ये जो है किसका हो जाता है ये ये बफेलो का का भैंस साइंटिफिक नाम है क्या भैंस का साइंटिफिक नाम हो जाता है बफेलो का या साइंटिफिक नाम हो जाता है किसका साइंटिफिक नाम हो जाता है बेफेलो का भैंस का साइंटिफिक नाम हो जाता है तो पूछेगा कि गाय का साइंटिफिक नाम क्या है अरे भैया गाय का साइंटिफिक नाम क्या हो जाता है गाय का साइंटिफिक नाम तो याद रखिएगा जो गाय का साइंटिफिक नाम क्या हो जाता है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ठीक है गाय का साइंटिफिक नाम क्या हो जाता है गाय का साइंटिफिक नाम क्या हो जाता है जल्दी से बताइए चलेगा तो याद रखेगा गाय का दो साइंटिफिक नाम है एक तो बोस्टोरस बोलते हैं ठीक है एक बोस्टोरस ठीक है एक बोस्टोरस जो ये यूरोपियन गाय हो जाती है ठीक है जो यूरोपियन गाय हो जाती है उनके लिए बोस्टोरस का यूज करते हैं यूरोपियन गाय यूरोपियन गाय के लिए जबकि बोस इंडिकस ठीक है बोस इंडिकस बोस इंडिकस बोस इंडिकस ये भारतीय गाय के लिए क्या भारतीय गाय के लिए इंडियन गाय के लिए ठीक है भारतीय गाय के लिए तो याद रखेगा बोसटोरस बोस इंडिकस क्या बोसोरस बोस इंडिकस ठीक है बोस, बोस इंडिकस किसके लिए भारती लिए भारतीय गाय के यूज करते हैं यहां तक क्लियर है चलिए तो बोस इंडिकस किसके लिए गाय के लिए यूज करते हैं क्या बोस इंडिकस किसके लिए गाय के लिए साथ ही यूज करते हैं चीज क्लियर है ना ठीक है अच्छा कुछ दिन पहले बताया था एक सवाल बताया था कुछ दिन पहले ठीक है ध्यान से सुनिएगा एक सवाल बताया था कुछ दिन पहले जब साथी मादा ठीक है जब मादा लायन ठीक है जब मादा लायन और साथी मादा लायन ठीक है नर नर समझ लीजिए जब नर लायन ठीक है जब नर लायन बोले तो शेर जब नर शेर मादा मादा बाघ ठीक है बाघ या टाइगर बोलते ठीक है टाइगर जब नर शेर बाघ मादा टाइगर के साथ संबंध बनाएगा ठीक है तब इसके बच्चे को किस नाम से जाना जाता है यानी कि संबंध सीधा से सीधा पूछे तो आपसे यह पूछा है कि क्रॉस ब्रिड का नाम पूछा है ठीक है नर शेर का मादा टाइगर के साथ जो क्रॉस ब्रिड होगा उसका क्या नाम हो जाता है उसका क्या नाम हो जाएगा ठीक है और इसी तरीके से इसी तरीके से मैंने क्या बताया था नर टाइगर ठीक है नर टाइगर का मादा लायन के साथ क्रॉस ब्रीड होगा उसके बच्चे को क्या बोलते हैं उसके बच्चे को क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा जब नर शेर रहेगा और मादा लायन होगा उसके बच्चे को क्या बोलते हैं लाइगर बोलते हैं क्या बोलते हैं लाइगर और इसी तरीके से टाइगर जब नर क्या होगा टाइगर होगा और मादा लायन होगा त तब क्या बोलते हैं टिगोन बोलते हैं क्या टिगोन बोलते हैं ये याद रखेगा दिल्ली पुलिस में सवाल ऐसा पूछा हुआ था ठीक है दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा हुआ था भूलिएगा नहीं ठीक है भूलिएगा नहीं साथी यहां तक चीजें क्लियर है चलेगा अगले सवाल दुमकर बांध किस नदी पर है दुमकर बांध किस नदी पे किस राज्य में है दुमकर बांध किस नदी पे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है जल्दी से बताएगा दुमकर बांध ठीक है बांधों के बारे में अभी जानेंगे ठीक तो है दुमकर बांध भैया कहा आज इतना गड़बड़ हो रहे हो चलेगा दुमकर बांध किस नदी पर हो जाता है ठीक है थोड़ा सा दोस्त आज एडजस्ट कीजिएगा ठीक है थोड़ा सा आज ना मेरे साथ चलेगा दुमकर बांध किस नदी पर हो जाता है दुमकर बांध किस नदी पर हो जाता है दुमकर बांध किस नदी पर हो जाता है याद रखेगा साथी दुमकर बांध तो ये दुमकर बांध साथी किस नदी पर हो साथ सिंधु नदी पर पहुंचता है दुमकर बांध किस नदी पर हो जाता है सिंधु नदी पर हो जाता है, हो जाता है? हो जाता है। ओ भाई सब हो क्या रहा है चलेगा दुमकर बांध किस नदी पर हो जाता है सिंधु नदी पे दुमकर बांध हो जाता है पे सिंधु नदी पे दुमकर बांध की बात कर रहा है दुमकर बांध ठीक है याद रखेगा दुमकर बांध कहां पर हो जाता है यह सिंधु नदी पर हो जाता है ठीक है सिंधु नदी पे ठीक है निमो बाजगो भी कहां पर हो जाता है दुमखर हो गया दुमखर और निमो बाजगो ठीक है निमो बाजगो ये कहां पर हो जाता है सिंधु नदी पे और यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो जाता है याद रखिएगा यह लद्दाख में हो जाता है कहां पे लद्दाख में हो जाता है लद्दाख में हो जाता है भाई साहब आज थोड़ा सा मैनेज कर लेना थोड़ा सा ना यह डिस्प्ले बोर्ड क्या हो रहा है थोड़ा सा ना हैंग कर रहा है मुझे लग रहा है ठीक है चलेगा ये बांध पूछेगा अगर आपसे पूछेगा दोस्त कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध सबसे ऊंचा बांध पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो बताएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है नाम बताइए नाम बताइए नदी बताइए और किस राज्य में है ठीक है नाम रदी, नदी किस राज्य में है? उसी तरीके से भारत का सबसे लंबा बांध ठीक है, सब है? है सबसे लंबा बांध ठीक है सबसे लंबा बांध कौन सा समझता है सबसे ऊंचा बांध सबसे लंबा बांध इसका भी नाम नदी और राज्य ठीक है नाम नदी और राज मैंने क्या पूछा सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा मतलब कि इस तरीके से ऊंचाई में बनाएगा सबसे लंबा मतलब कि सबसे लंबा हो जाता है क्या पे लंबाई में बनाएगा ठीक है लंबाई में बनाएगा चलेगा तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाता है भारत का सबसे ऊंचा बांध बताएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाता है जल्दी से बताएगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाता है भारत का सबसे ऊंचा बांध ठीक है चलेगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाता है चलेगा तो याद रखेगा जो सबसे ऊंचा बांध हो जाता है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाता है यह टिहरी बांध हो जाता है कहां पर टिहरी किस नदी पे हो जाता है भागीरथी भागीरथी नदी पे किस राज्य में हो गया किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है कहां पे उत्तराखंड में अगर पूछेगा सबसे लंबा बांध कहा लंबा लंबाई सबसे लंबा बांध तो ये कौन सा हो जाता है हीराकुंड बैंड दम क्या हीराकुंड और यह हीराकुंडी किस नदी पे है जल्दी से बताएगा हीराकुंड डैम किस नदी पे हो जाता है तो ये हीराकुंड कहां पर जाता है सती हीराकुंड कहां पर जाता है महानदी हीराकुंड किस नदी पे हो जाता है तो याद रखेगा महानदी कौन से राज्य में उड़ीसा ठीक है महानदी महानदी और किस राज्य में उड़ीसा राज्य में हो जाता है उड़ीसा चलेगा ये याद रखेगा हां एक और मैंने बताया था क्या बताया था बांध के बारे में हाँ। एक मैंने बताया था भारत का पहला बांध ठीक है भारत का पहला बांध कौन सा था या बोल सकते सबसे पुराना बांध भारत का पहला बांध या भारत का सबसे पुराना बांध भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है सबसे पुराना बांध इंडियाज ओल्डेस्ट डैम ठीक है इंडियाज ओल्डेस्ट डैम भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा हो जाता है इंडियाज ओल्डेस्ट बांध कौन सा हो जाता है जल्दी से बताएगा इंडियाज ओल्डेस्ट डैम इसका नाम बताना है नदी बताना है राज्य बताना है और यह बांध किसके द्वारा बनवाया गया था और यह बांध किसके द्वारा बनवाया गया था किसके द्वारा बनवाया गया था किसके द्वारा बनवाया गया था अगर भूल गए हो गए ना तो तुम घरवा पे आ करना आरती पूजा करेंगे ठीक है चलेगा भारत का साथी सबसे पुराना बांध कौन सा हो जाता है भारत का सबसे पुराना बांध भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा हो जाता है कलनई 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 अच्छा जी तो याद रखेगा भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा हो जाता है नाम तो आपने बता दिया कलनई बांधे साथी भारत का सबसे पुराना बांध हो गया क्या कलनई यह भारत का सबसे पुराना बांध हो गया किस नदी पे है कौने नदी पे हो जाता है कौने नदी पे हो रहा है तो याद रखेगा ये कावेरी नदी पे हो जाता है कहां पे कावेरी नदी पे किस राज्य में दोस्त ये तमिलनाडु में हो जाता है ठीक है ये किस राज्य में है तो तमिलनाडु में हो जाता है तमिलनाडु में तमिलनाडु में ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बताया कलनई साथी भारत का सबसे पुराना बांध किस नदी पे कावेरी नदी पे किस नदी पे कावेरी नदी पे किस राज्य में तमिलनाडु में बनवाया किसके द्वारा आप बताओगे किसके द्वारा बनवाया गया किसके द्वारा बनाया गया तो याद रखेगा चोल वंश के राजा ठीक है चोल वंश के राजा किसके द्वारा बनाया गया था जल्दी से बताएगा किसके द्वारा बनवाया गया था तो चोल वंश के राजा ये जो कलनई बांध है सवाल आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना कल्लई बांध किसके द्वारा बनाया बनवाया गया था तो चोल वंश के राजा सती करिकाल के द्वारा ठीक है तो याद रखिएगा चोल वंश के राजा करिकाल के द्वारा यह बनवाया गया था चीजें क्लियर है यहां तक यहां तक चीजें क्लियर है चलेगा अगला सवाल कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के ठीक है कौन सा अनुच्छेद चलेगा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रह अच्छा एक छूट गया सांडोल एस्पाओ जाबरो कुद और मेंटोक में से कौन सा नृत्य लद्दाख का नहीं है यहां पे कुछ नृत्य दिया गया है कुछ यहाँ पे आपके सामने लोक नृत्य दिएगा पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा नृत्य लद्दाख का नहीं है कौन सा नृत्य लद्दाख का नहीं हो जाता है तो आपको क्या रखना है सबसे पहले तो या तो लद्दाख वाला पूरा नृत्य याद रखना है या जो अलग वाला है क्या जो अलग अलग, अलग वाला है वो भी याद होना चाहिए तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं ठीक है इस तरीके से आप जवाब देते हैं तो पहले सबसे ये बता दीजिए सांडोल एस्पाओ कूद और मेंटोक में से कौन सा नृत्य लद्दाख का नहीं है कौन सा नृत्य लद्दाख का नहीं है कौन सा नृत्य लद्दाख का नहीं है तो सांडोल क्या लद्दाख का हो जाता है लद्दाख का हो जाता है जाबरो भी लद्दाख का हो तो लद्दाख का नहीं है लद्दाख का नहीं है तो कुद है कहां का जल्दी से बताइएगा कुद कहां का नृत्य हो जाता है कुद नृत्य कहां का है कुद नृत्य कहां का है कुद डांस ठीक है कुद डांस ये भी बहुत बार फेमस पेपर है एग्जामिनर का बहुत बार पूछा गया फेमस क्वेश्चन हो जाता है तो याद रखेगा कुद राउफ अब याद आ रहा है कुछ राउफ दुमहल कुद राउ दुमहल राउफ दुमहल भांड जश्न ठीक है भांड जश्न कूद राउफ दुमहल भांड जश्न बच्चा नगमा ये ड्रेस वो पुरुषों के द्वारा डांस किया जाता है बच्चा नगमा ठीक है याद रखेगा बच्चा नगमा किसके द्वारा पुरुषों के द्वारा किया जाता है पुरुषों का महिलाओं का ड्रेस पहनकर पुरुषों के द्वारा किया जाता है बच्चा नगमा बच्चा नगमा ये सभी के सभी कहां कहा जाता है कूद दुमहल देधा देधा नागमा। बच्चा नगमा याद रखेगा बच्चा नगमा आपसे सवाल एक बार ये पूछा गया है पेपर में कि राउट नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है शादी के समय पे राउट नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है पुरुषों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है जम्मू कश्मीर में तो याद रखेगा बच्चा नगमा ठीक है यह बच्चा नगमा साथी पुरुष लोग महिलाओं का ड्रेस पहनकर करते हैं ठीक है पुरुष लोग महिलाओं का डांस कर अरे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार में जिसको क्या बोलते हैं लौंडा डांस बोलते हैं ठीक है यही वाला लौंडा डांस ठीक है तो याद रखेगा पुरुषों के द्वारा ठीक है तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है ये सवाल आ चुका है पेपर में ठीक है कुद राउत दुमहल भांड जंस ये हो जाता है यहाँ का अच्छा पूछेगा कि जम्मू कश्मीर का लोक थिएटर कौन सा हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर का लोक थिएटर जल्दी से बताएगा जम्मू एंड कश्मीर का लोक थिएटर कौन सा हो जाता है जम्मू कश्मीर का लोक थिएटर बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए जम्मू कश्मीर का यहीं पे चलते हाथ बता दीजिए लोक थिएटर कौन सा होता है जम्मू कश्मीर का लोक थिएटर कौन सा हो जाता है जम्मू कश्मीर का लोक थिएटर कौन सा हो जाता है चलेगा तो जम्मू कश्मीर का लोक थियर कौन हो जाता तो भांड पाथेर करके कहा साथी भांड भांड पाथेर भांड पाथेर ये जम्मू कश्मीर का लोक थिएटर हो जाता है भांड पाथेर दोस्तों एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अरे भैया बोलना जरूरी होता है क्या कि क्लास को शेयर कर दो आप लोग अपने से भी तो कर सकते हो ना ठीक है अपने से भी दोस्त कर सकते हो ना तो क्लास को मैक्सिमम जुड़ा कीजिए मतलब जब पेपर चलता है तो यहां पे पांच छह हजार बच्चे रहते हैं और ये मतलब कि अभी कितने लोग मुश्किल से दो हजार लोग कम से कम इस क्लास को शेयर करके तीन हजार तक पहुंचाया साथी जब मैं बोलता हूं ना कि जब मैं आप मैंने ये ये काम पूरा का पूरा आपके ऊपर छोड़ दिया ना कल भी बोला था कि क्लास को शेयर कर दिया कीजिए चलेगा कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के बारे में बताता है ठीक है कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम के के तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के के स्थापना स्थापना बारे बारे में में बताता है तो याद रखिएगा आर्टिकल 124 ठीक है आर्टिकल 124 आती सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के बारे में और अपॉइंटमेंट के जज के अपॉइंटमेंट के बारे में बताता अगर वहीं पर बात करता हूं कि उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का हाईकोर्ट का कौन सा अनुच्छेद बताता है तो ये जो एक दो है ना एक दो चार तो इसी को दो एक चार कर दीजिए ठीक है दो एक चार दो सौ चौदह ठीक है ये सुप्रीम हो गया एक दो चार और दो को क्या कर दिया पहले आगे कर दिया ठीक तो है तो दो सौ चौदह कोर्ट से रिलेटेड है क्या दो सौ चौदह किससे हो जाते हैं कोर्ट से रिलेटेड दो सौ चौदह किससे हो जाता हाई से हो है कोर्ट से रिलेटेड हो जाता है चलेगा

मन्ना हो जाते ये चीजें याद रखेगा चलेगा याद रखेगा साथी नौ जज बने हैं। जिसमें तीन महिला हिमा कोहली नागरत्ना और बेला त्रिवेदी क्या आपके हिमा कोहली नागरत्ना ठीक है नागरत्ना और बेला त्रिवेदी ये साथी तीन महिला बने तो तीनों महिला का नाम जरूर याद रखेगा और इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो महिला हो जाती है ठीक है ये जो महिला हो जाती है ठीक है बीबी बीबीनागरत्ना ठीक है बीबी नागरत्ना इनका नाम याद रखेगा बीबी नागरत्ना इनका नाम जरूर याद रखेगा क्यों याद रखेगा क्योंकि ये दो में दो में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है ठीक है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकती हैं भारत की पहली मुख्य महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकती हैं तो बीबी नागरत्ना बन सकती है ये जरूर याद रखेगा दो तो में नागरत्न अभी तक कोई बना है कि नहीं अभी तक कोई भी नहीं बना है लेकिन अगर सवाल पूछेगा कि पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी महिला न्यायाधीश बन चुके हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बन चुके हैं तो महिला न्यायाधीश पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी तो याद रखेगा वो फातिमा बीबी थी कौन सी थी वो फातिमा बीबी चलेगा अगला सवाल आपके पास हो जाता है थोड़ा सा ये अच्छे अच्छे एक दो प्रश्न हो जाते हैं और भी इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कीजिएगा फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कोर्ट ठीक है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सत्य नहीं हो जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से एक जो भाग पांच में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और पूरे के पूरे सत्यों के बारे में बताता है किसी दिन पूरा का पूरा समय मिलेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के पूरे के पूरे याद करा दूंगा ठीक है जो जो पूरा का पूरा नहीं जो जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद पूछता है 124 से लेकर एक में लगभग सात आठ इतने आर्टिकल हो जाते हैं जो जो कि ही है जो बार बार पूछता है है ठीक चलेगा सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में किया गया था पहले एज ए संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता था पहली महिला जस्टिस पहली महिला सीजीआई कर्नाटक से थी भाई साहब अभी तुरंत तो बोला अभी तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश हुई है ही नहीं है अभी तक तो कोई हुआ ही नहीं तो ये तो गलत हो गया ठीक है ये क्या हो गया ये गलत हो गया ये वाला तो क्या हो गया ये गलत ही हो गया ठीक है ये वाला गलत हो गया चलेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है तो गलत कौन हो जाता है साथी ये वाला गलत हो जाता है क्या ये वाला आपका गलत हो जाता है समझे ये वाला गलत हो जाता है तो भारत की कोई भी महिला भारत की पहल कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं बनी थी क्या भारत की कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं बनी थी अच्छा सवाल आपसे यहां पे पूछता हूं दो तीन सवाल पूछता हूं ध्यान से बताएगा ठीक है अगर आपसे पूछेगा साथी भारत की पहली महिला जज ध्यान से सुनेगा पूछेगा बस सवाल आपसे ये पूछेगा भारत की पहली महिला जज कौन सी थी भारत की पहली महिला, महिला जज भारत की पहली महिला जज ध्यान से सुनेगा दो तीन सवाल पूछता भारत की पहली महिला जज भारत की पहली महिला जज कौन सी थी अगर पूछेगा भारत की पहली महिला जज बताएगा और भारत की पहली महिला सती मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत की पहली भारत की पहली उच्च न्यायालय में ठीक है उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश महिला मुख्य न्यायाधीश महिला की बात कर रहा हूं महिला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ठीक है हाई कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश चलेगा भारत की पहली महिला जज भारत की पहली महिला पहली हाई कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सा हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ तो भारत सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पहली महिला तीन अंजाम नाम है नाम के बारे में कंफ्यूजन मत होगा पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पहली महिला न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश तो कोई रहा ही नहीं चलेगा तीनों का बताएगा तीनों का आगे लिखकर बताएगा पहला दूसरा तीसरा ठीक है पहला दूसरा तीसरा तीनों लिखकर बताएगा तीनों लिखकर ये तीन नाम आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है और तीनों के नाम अभी ये चर्चे में आ गए ठीक है चर्चे में आ गए ठीक है तो याद रखिएगा अन्ना चंडी ठीक है याद रखिएगा सती अन्ना चंडी तो अन्ना चंडी तो भारत की पहली महिला जज थी ठीक है अन्ना चंडी ये भारत की पहली महिला जज थी तो ये याद रखेगा अगर पूछेगा भारत की पहली महिला जज कौन थी थी अन्ना चंडी थी याद रखेगा लीला सेठ साथी लीला सेठ क्या थी यह भारत की पहली महिला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थी और किस हाई कोर्ट में बनी थी किस राज्य के हाई कोर्ट में बनी थी जल्दी से बताएगा लीला सेठ करके लीला सेठ बताएगा लीला सेठ यह किस राज्य के हाई कोर्ट में बनी थी लीला लीला सेठ लीला सेठ यह किस राज्य के हाईकोर्ट में बनी थी जल्दी से बताएगा किस राज्य के हाईकोर्ट में लीला सेठ बनी थी जल्दी से बताएगा किस राज्य के हाईकोर्ट में यह लीला सेठ बनी थी याद रखेगा यह दिल्ली में भी पहली महिला जज रह चुकी है दिल्ली हाईकोर्ट के ये याद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में क्या पे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बनी थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बनी थी ठीक है चलेगा जबकि साथी पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी फातिमा बीबी ठीक है सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी फातिमा बीबी अच्छा तीनों में कंफ्यूजन हो गए ना तीनों में कंफ्यूजन हो गया या क्लियर है मैं आपको अब ध्यान से समझा रहा हूं तीन नाम याद रखिएगा आना चंडी याद रखिएगा सिंपल सी बात है आना चंडी याद रखिएगा भारत की पहली महिला जज ठीक है लीला सेठ भारत की पहली महिला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ महिला मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश तीन शब्द याद रखिएगा लीला सेठ महिला मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश पहली बार जब आए हो तो याद रखिएगा मैं आपको टेंशन याद मतलब कि एकदम इस होठों पे याद करवा दूंगा टेंशन लो ठीक है चलेगा जबकि फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला न्यायाधीश रही हैं कहां पे सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश रही तो चीजों को ना एकदम क्लियर करते जाएगा चलेगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता में शामिल नहीं है ठीक है योग्यता में में अपॉइंटमेंट शामिल नहीं है ठीक है कि मुख्य न्यायाधीश याद रखेगा किसकी बात कर रहे हैं न्यायाधीश की नहीं मुख्य न्यायाधीश सॉरी न्यायाधीश वगैरह की बात करें ठीक है निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के न्यायाधीश होने की योग्यता में शामिल नहीं है वो भारत का नागरिक होना चाहिए वो भारत का नागरिक ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टेड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ पार्लियामेंट मतलब की पार्लियामेंट होने होना चाहिए हाईकोर्ट पर एटलीस्ट पांच साल के लिए जज होना चाहिए और या तो दस सालों के लिए वो वकील होना चाहिए हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में दस सालों के लिए वकील हो हाईकोर्ट में पांच सालों के लिए जज हो भारत का नागरिक तो होना ही होना है भारत का नागरिक तो होना ही होना है और बाकी क्या पूछा है उससे संसद में एक सम्मानित विधिवेक्ता होना चाहिए चलेगा तो इसमें से कौन सा जरूरी नहीं है कि उच्च हाईकोर्ट में क्या बोलना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश बनने के लिए ठीक है इसमें कौन सा नहीं चाहिए कौन सा नहीं चाहिए चलेगा तो याद रखेगा बी वाला जो ऑप्शन है इसका कुछ लेना देना है नहीं ठीक है तो ये नहीं होगा ठीक है तो याद रखेगा वो संसद के मतलब कि एक विधिवेक्ता या वो नहीं होना चाहिए ठीक है याद रखेगा तो ये जूरिस्ट इन दर्ज ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि वहां पे नहीं होना चाहिए तो बी वाला गलत हो जाता बाकी ये याद रखिएगा जरूर भारत का नागरिक होना चाहिए कम से कम वो पांच सालों तक जज के रूप में काम करना चाहिए क्या वो पांच सालों तक क्या होना चाहिए पांच सालों तक क्या होना चाहिए एटलीस्ट पांच सालों तक क्या होना चाहिए ही मस्ट वो कम से कम पांच साल के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए क्या पे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए या तो दस साल क्या होना चाहिए साथी वो वकील होना चाहिए दस साल होना होना चाहिए वो होना चाहिए वो वकील अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में कहा कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बना ठीक है मुफ्त पानी प्रोवाइड कराएगा मुफ्त पानी प्रोवाइड कराने वाला <laughs> कौन सा राज्य मुफ्त पानी प्रोवाइड करवाने वाला देश का पहला राज्य बना है ठीक है जल्दी से बताएगा यार ये इस पे चल क्यों नहीं रहा यहां पे अच्छा इस पे साइड में चल रहा है इस पे नहीं चल रहा चलेगा बताइएगा कौन सा राज्य बना है मुफ्त पानी प्रोवाइड करवाने वाला तो याद रखिएगा गोवा कौन सा राज्य बना है गोवा गोवा साथी राज्य बना है यहां के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन हो जाते हैं यहां के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन हो जाते हैं हु इज द मुख्यमंत्री एंड गवर्नर ऑफ गोवा ठीक है गोवा के मुख्यमंत्री बताएगा गोवा के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं गोवा के मुख्यमंत्री एंड गवर्नर ठीक है गोवा के साथ ही मुख्यमंत्री सीएम और गवर्नर ठीक है गोवा के सीएम और गवर्नर जो सुबह वाली फाइल गई उसमें गवर्नर का नाम थोड़ा सा गलती लिखा हो गया पुराने वाले गवर्नर का नाम लिखा जा चुका है तो उसको सही कर लीजिएगा ठीक है गोवा जहां आप घूमने गए थे हम ही तो करवा कर आए हैं पानी ओनी फ्री करवा कराए हैं चलिएगा वहां पे पानी से ज्यादा तो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं चलेगा गोवा के सीएम कौन हो जाते है वर्तमान में प्रमोद सावंत हो जाते हैं पे गोवा के सीएम कौन हो जाते है प्रमोद सावंत हो जाते हैं जबकि यहां के गवर्नर वर्तमान में कौन है श्रीधरन पिल्लई लोग गोवा में क्या करने जाते हैं पीने जाते हैं तो श्रीधरन पिल्लई श्रीधरण पिल्लई यहां पे क्या हो जाते हैं मैंने गलत चीज बोल दिया क्या श्रीधरन पिल्लई श्रीधरण पिल्लई श्री यहां पे क्या हो जाते हैं साथी गोवा के गवर्नर हो जाते हैं गोवा के क्या हो जाते गवर्नर हो जाते याद अभी ना सुबह वाली जो फाइल थी वहां पे वो लिखा जा चुका है ठीक है ये भगत तो उस चीजों को क्लियर कर लीजिएगा क्या उस चीज को क्लियर कर लीजिएगा दोस्त अभी तक जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा ठीक है जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर सकते हैं चलेगा अच्छा एक बात बताइएगा गोवा भारत का हिस्सा बनने से पहले गोवा भारत का हिस्सा बनने से पहले गोवा भारत का हिस्सा बनने से पहले साथी भारत का हिस्सा बनने से पहले गोवा पे किसका शासक था जल्दी से बताएगा किसका शासन था किस राज्य का किस देश का शासन था भारत का हिस्सा बनने से पहले भारत का हिस्सा बनने से पहले सवाल पूछेगा भारत का, का हिस्सा बनने से पहले भारत का हिस्सा बनने से पहले बनने से पहले गोवा पे किस देश का शासक था शासन था गोवा पर किस देश का शासन था किस देश का शासन था गोवा पे जल्दी से बताएगा गोवा पे किस देश का शासन था तो याद रखिएगा पुर्तगाल का कहां पे पुर्तगीज का ठीक है पुर्तगीज का शासन था कहां पे पुर्तगीज का गोवा पे किसका था गोवा दमन दीव सब पे किसका था पुर्तगीज का था पुर्तगीज का था याद रखिएगा गोवा को किस ऑपरेशन के तहत पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था गोवा को किस ऑपरेशन के तहत पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था गोवा को साथी किस ऑपरेशन के तहत Osionfish. गोवा को किस ऑपरेशन के तहत पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था जल्दी से किस ऑपरेशन के तहत गोवा को किस ऑपरेशन के तहत पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था तो देखिएगा गोवा को साथी गोवा पुर्तगाल का हिस्सा था तो भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाल के छोड़ाने के लिए भारतीयों के द्वारा पुर्तगाल के छोड़ाने के लिए एक ऑपरेशन किया गया था जिसका फाइनल डेट कब निकला था 29 दिसंबर ठीक है दो तीन दिनों का ऑपरेशन था ठीक है 19 दिसंबर उन्नीस में ये पूछेगा कि किस वर्ष में ऑपरेशन किया गया था तो वर्ष भी याद रखेगा उन्नीस सौ एकसठ में ठीक है इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय एक ऑपरेशन विजय नाइन 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 में भी किया गया था वो कारगिल वाले को लेकर था ठीक है याद रखेगा ऑपरेशन विजय ऑपरेशन विजय तो ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था जिसके साथ साथ ही उन्नीस दिसंबर उन्नीस को क्या उन्नीस दिसंबर उन्नीस को गोवा को मुक्त कराया गया था इसीलिए हर साल गोवा इसीलिए हर साल गोवा 19 दिसंबर को क्या मनाता है मुक्ति दिवस मनाता है हर साल गोवा कब है 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाता है ठीक है याद अगर पूछेगा कि राज्य स्थापना दिवस कब मनाता है क्या राज्य स्थापना दिवस मनाता है गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाता है तो याद रखेगा यह तीस मई को क्या तीस मई को राज्य स्थापना दिवस मनाता है क्योंकि तीस मई उन्नीस को इसको एज ए राज्य के रूप में घोषित किया गया था ठीक है राज्य के रूप में तो तीस मई को साथी राज्य स्थापना दिवस मनाता है उतीस मई को मुक्ति दिवस उन्नीस दिसंबर को मुक्ति दिवस क्या उन्नीस दिसंबर को क्या मनाता है मुक्ति दिवस के इस रूप में मनाया जाता है ठीक है चलेगा जब साथी गोवा साथी इसको आजाद कराया गया था तो उन्नीस में अच्छा इसका देखता हूं जवाब कौन बता पाता है गोवा के पहले मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था ठीक है गोवा के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाया था गोवा दमन एंड दीव तीनों के एक ही मुख्यमंत्री बने थे ठीक है गोवा एंड दमन दीव के मुख्यमंत्री एक ही बने थे गोवा के पहले मुख्यमंत्री गोवा के पहले सीएम कौन थे पड़ गए चक्कर में पड़ गए चक्कर में क्या अरे पड़ गए चक्कर में क्या गोवा के पहले? <coughs> गोवा के पहले जी गोवा के पहले मुख्यमंत्री कौन से थे गोवा के पहले मुख्यमंत्री कौन से थे गोवा के पहले मुख्यमंत्री कौन, कौन थे चलेगा देखता हूं कौन बता पाता है थोड़ा सा देख लेते हैं बता दो भैया नो आइडिया था पहले पहले हाँ जी जब ये बना था ना जब आजाद करा गया तब था शासित प्रदेश था ये दमन दीव फिर तीस मई उन्नीस में ये राज्य बना था ठीक है सर ऐप पर आपका सारा करंट चला गया चला गया मतलब कि दयानंद भाई सब गज्जू ठाकुर ने बताया कुछ लोगों ने रविदास ने भी बताया बहुत से शानदार शानदार मेरे प्यारे भाई मतलब कुछ लोगों ने भी बताया दिल खुश हो गया तो दयानंद बंदोदकर करके थे ठीक है दयानंद बंदोदकर याद रखेगा पहले गोवा के पहले सीएम कौन थे दयानंद बंदोदकर दयानंद बंदोदकर तो गोवा से इतिहास थोड़ा अच्छा खासा रहा है तो ये याद रखेगा दयानंद बंदोदकर दयानंद बंदोदकर पहले थे गोवा के सीएम थे गोवा दमन एंड दीव थी, के ठीक ठीक है दयानंद बंदोलकर गोवा की आधिकारिक भाषा क्या ये बताना पड़ेगा क्या गोवा की गोवा की आधिकारिक भाषा क्या हो जाती है गोवा के गोवा की आधिकारिक भाषा गोवा की आधिकारिक भाषा बता दीजिए गोवा की आधिकारिक भाषा बता दीजिए गोवा की यहां पे भाषा कौन सी बोली जाती है गोवा में भाषा कौन सी बोली जाती है गोवा की भाषा कौन सी बोली जाती है बताएगा गोवा की भाषा बता दीजिएगा पशु बता दीजिएगा यहाँ का राजकीय पशु क्या हो जाता है फल क्या हो जाता है फल भी बता दीजिएगा फल क्या हो जाता है फल भी बता दीजिएगा ठीक है फल बता दीजिएगा फूल बता दीजिएगा कुछ भी बता दीजिएगा कुछ भी मत बता दीजिएगा फल फूल चलेगा तो गोवा का जाति जो राजकीय जो भाषा होती है यहाँ पे कोंकणी भाषा बोली जाती है क्या पे कोंकणी भाषा बोली जाती है कोंकणी भाषा बोली जाती है पशु गौर हो जाता है ठीक है पशु गौर हो जाता है फल यहां पे काजू होता है चमेली यहां पे क्या हो जाता है फूल होता है चमेली फूल हो जाता है अच्छा कोई गोवा साइड से है क्या कोंकणी भाषा में महिलाओं को क्या बोला जाता है ठीक है कोंकनी भाषा में महिलाओं को क्या बोला जाता है मैंने दो ही शब्द वहां पे सीखा था यार कोंकणी में महिला पुरुष का लेकिन मुझे दोनों याद है लेकिन कौन महिला को बोलते हैं कौन पुरुष को मुझे याद ही नहीं है ठीक है ये बायलो और बायलो और दादलो बोलते हैं ठीक है बायलो और दादलो बोलते हैं महिला और पुरुष को बायलो और दादलो बोला जाता है लेकिन मुझे भूल गया हूं कि बायलो किसको बोलते हैं दादलो किससे बोलते हैं और पता है मैंने एक यहां पे सीखा जो वाशरूम में गया ना तो यहां पे लिखा होना था मेल और फीमेल तो वहां पे लिखा हुआ था बायलो और दादलो बायलो किसको बोलते दादलो किसको बोलते ये मैं भूल गया बायलो शायद महिलाओं को बोलते हैं बायलो शायद महिलाओं को बोलते हैं ठीक है दादलो बोलते पुरुष को बोलते हैं दादलो पुरुष को बोलते हैं जो ये वाशरूम में हम लोग जाते हैं ना लिखा रहता है ना पुरुष और महिला तो वहां पे लिखा हुआ था मेल और फीमेल और बायलो और दादलो करके ऐसे लिखा हुआ था बायलों और दादलो ऐसे लिखा हुआ था चलेगा दुनिया के सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों के रूप में राबो बैंक की दो हजार इक्कीस ग्लोबल टॉप टॉप ट्वेंटी डेयरी कंपनियों में शीर्ष पे कौन सा रहा शीर्ष पे कौन रहा शीर्ष पे कौन रहा यह पूछा शीर्ष पे कौन रहा अरे भाईलो नहीं बायलो और दादुलो था बायलो और दादुलो चलो बतेगा शीर्ष पे कौन सी कंपनी रहती शीर्ष पे कौन सी कंपनी रहती शीर्ष पे कौन सी कंपनी रहती मतलब कि टॉप साथी हंड्रेड मतलब कि टॉप कंपनियों कंपनियों में में क्या पे पे कौन सी रही थी? Dairy कम्पनी, Dairy कम्पनी कौन सी सी कंपनी 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 रहती किस देश की कंपनी थी, थी. जबकि भारत का अमूल जो भारत का अमूल गुजरात का हो जाता साथी कहां कहा था अमूल अठारहवे स्थान पे था पूछेगा कि कितना नुकसान हुआ पिछले साल से अमूल को कितना नुकसान हुआ पिछले साल से तो याद रखेगा अमूल को साथी दो नुकसान हुआ था क्योंकि पिछले साल अमूल किस रैंक पे था तो अमूल साथी सोलहवें स्थान पे था भारत में श्वेत क्रांति के जनक के किसे जाना जाता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जानते हैं तो याद रखेगा श्वेत क्रांति के जनक किसके बोलते हैं वर्गीस कुरियन को बोलते हैं ठीक है वर्गीस कुरियन को बोलते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं ठीक है वर्गीस कुरियन को साथी श्वेत क्रांति का जनक जाना जाता है वर्गीस कुरियन याद रखेगा कुरियन का जन्म कब होता है 26 नवंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है इसीलिए इनके 26 दिसंबर को नहीं 26 नवंबर को ठीक है 26 नवंबर इसका जन्म दिवस मनाया जाता है इसीलिए हर साल 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है कहां पे राष्ट्रीय दूध दिवस राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाता है छब्बीस नवंबर को मनाया जाता है अगर आपसे पूछेगा

रखिएगा समझे वेरी बातों को चलेगा वर्गीन को साथी क्या बनाया जाता है व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है अब सवाल आपसे यह भी पूछता है कि व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है तो याद रखेगा दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के लिए उसी तरीके से आपसे पूछेगा कि नीली क्रांति किससे रिलेटेड है जल्दी से बताएगा नीली क्रांति किससे रिलेटेड है और नीली क्रांति के जनक किसे बोलते हैं नीली क्रांति नीली क्रांति बोले तो ठीक है नीली क्रांति बोले तो साथी ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड हो जाता है जल्दी से बताएगा ब्लू रिवोल्यूशन ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड हो जाता है ठीक है और इसके जनक कौन हो जाता है बताएगा एक और बता दीजिएगा येलो रिवोल्यूशन पीली क्रांति किससे रिलेटेड हो जाता है और इसके जनक किससे हो जाता है येलो ये सभी के सभी जितने भी एग्रीकल्चरल रिव्यूशन है आपको याद करा दूंगा ठीक है धीरे धीरे ना आप लोग भी लास्ट में ना रोज क्लास के लास्ट में जो हम लोग बकैती करते हैं ना पांच मिनट तो उस दिन याद बोल दिया के के, सर ये वाला टॉपिक थोड़ा याद करवा दीजिए ठीक है येलो ये बोले तो पीली क्रांति येलो रिब्यूलेशन किससे रिलेटेड हो जाता है इसके जनक कौन हो जाता है येलो रिबुलेशन पीली क्रांति पीली क्रांति चलेगा बताइए दोनों 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 के के ये आप बताओगे चलेगा ब्लू ब्लू किससे रिलेटेड हो जाता है तो ये मछली पालन से हो जाता है क्या मछली मछली पालन पालन से से रिलेटेड हो जाता है पालन से. अब पूछेगा इसके जनक किसे बोलते हैं ब्लू के जनक के रूप में किसे जाना जाता है ब्लू रेबुलेशन के जनक के रूप में तो अरुण कृष्णन को जाना जाता है क्या अरुण कृष्णन को यह जवाब कोई नहीं बताया ये जवाब कोई नहीं बताया तो अरुण कृष्णन को साथी अरुण कृष्णन अरुण कृष्णन को डॉक्टर अरुण कृष्णन डॉक्टर अरुण कृष्णन को साथी क्या बनाया जाता है ब्लू रेबुलेशन के बोले तो साथी नीली क्रांति के जनक बोला जाता है नीली क्रांति के नीलिक्रांति मत्स्य पालन से रिलेटेड है याद रखेगा मछली पालन मत्स्य पालन से जबकि येलो किससे तो तेल तिलहन से रिलेटेड हो जाता है क्या तिलहन से रिलेटेड हो जाता है तिलहन से रिलेटेड हो जाता है आप जल्दी से इसे बताएगा इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है येलो रिबुलेशन के जनक कौन है ये तुम बताओगे ये तुम बताओ जल्दी से चलेगा बताओ पीली क्रांति के जनक किसे बोलते हैं पीली क्रांति के जनक किसे बोलते हैं बड़ा पीली क्रांति के जनक किसे बोलते हैं जल्दी से बताओ चलो <खुँत> जल्दी से बताइए दोस्त जल्दी से बताएगा बहुत सा शानदार ओ भाई साहब चलिए बहुत कल से हम लोग आज ही ज्यादा है ये मुझे अच्छा लगा ये मुझे अच्छा लगा कि कल से हम लोग आज ज्यादा है हमेशा हमें यही करना है आज इससे ज्यादा जैसे कि आज मैं देख पा रहा हूं कि इक्कीस हमारे साथी जुड़े हैं तो आज इससे ज्यादा हमें मतलब कि इक्कीस सौ है तो पांच ही ज्यादा हो इक्कीस सौ पांच वैसे मतलब कि पचास ही ज्यादा हो लेकिन हमें कल इससे ज्यादा होना चाहिए और ये आपके भरोसे हुआ कि लग रहा है कि कल जो मैंने आपको बोला था कि क्लास शेयर करो तो आपने इस क्लास को शेयर किया था बहुत बहुत शुक्रिया आपका चलेगा तो याद रखेगा साथी इसके जनक कौन हो जाते हैं सैम पितोधरा बहुत सही शानदार जो लोग बता रहे हैं साथी सैम पितोधरा इसके जनक हो जाते हैं ठीक है येलो रिविलेशन के सैम पितोद्रा सैम पितोद्रा हो जाते हैं चलेगा अगला सवाल आ जाता है बांग्लादेश भूटान और मालदीव में से कौन बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है ठीक है कौन बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है अरे एक बात बताओ सार्क पूछा था क्या अरे आईपी यू, यूपी ट्रिपल एसी पीटी में सार्क पूछा था क्या और मैंने ट्रिक के साथ बताया था और एक आता है एक के साथ तीन चार चीजों बता देता था ना अब बताओ सार्क आया था कि नहीं सार्क आया था कि नहीं चलो यार आज बहुत ज्यादा रहा हैं चलेगा बांग्लादेश भूटान मालदीव और साथी बांग्लादेश भूटान भारत और मालदीव मालदीव नहीं मालदीव मालदीव में से ठीक है कौन सा बिम्स्टेक का हिस्सा 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 नहीं 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 कौन सा बीम्टे सा नहीं? कौन सा बीम्टे सा का का है तो याद रखिएगा साथी यह मालदीव साथी बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है कहां सा मालदीव बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है फिर से हैंग कर गए चलो तो देखो मैंने आपको साथी सार्क वाला भी पूछा था अच्छा किसको किसको मजा आया था कि नहीं पेपर में तुरंत देखकर ट्रिक मार दिए हो गए ठीक है

अगली बार कुछ आसियान वगैरह सब देख लेंगे जिसका पहले भारत हिस्सा है तो अवगर आप आपसे पूछेगा सबसे पहले क्या क्या देखना है सबसे पहले आप बताइए कितने सदस्य देश हैं 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 सार्क सार्क में 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 कितने 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 सदस्य 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 देश 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 और एशियो में कितने सदस्य देश हो जाते हैं ठीक है तो याद रखिएगा सार्क में कितने सदस्य देश हो जाते हैं बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हो जाते हैं सात सदस्य देश हो जाते हैं सार्क में कितने सदस्य देश हो जाते हैं आठ सदस्य देश हो जाते हैं कितने आठ सदस्य देश हो जाते हैं और बाकी एशियो में कितने हो जाते हैं पांच छ दो आठ एशियो में भी कितने हो जाते हैं आठ सदस्य देश हो जाते हैं क्या आठ सदस्य देश हो जाते हैं एशियो में भी कितने हो जाते हैं आठ सदस्य देश हो जाते हैं सी सर मेरा गलत हो गया था म्यांमार जो क्या बोल रहा था मेरा गलत हो गया था म्यांमार की जगह अफगानिस्तान कर दिया था भाई साहब क्या आपको ट्रिक तो याद करवाया था ध्यान से तो पढ़ोगे नहीं और तुम तो हल्के में ले, ले, ले लेते हो कि ये आएगा ही नहीं बड़े ज्ञानी पुरुष बन जाते हो कि ये आएगा ही नहीं चलेगा तो बिम्स्टेक का साथी फिर इसके बाद क्या याद रखेगा ये पहले भी करा चुका हूं पहले भी बार बार करा चुका और आगे भी बार बार कराऊंगा आज सार्क का पूछा तो कल आपसे बिम्स्टेक पूछ सकता है एससीओ भी पूछ सकता है तो याद रखेगा बिम्स्टेक का, का मुख्यालय कहां पर हो जाता है बांग्लादेश ढाका में ढाका में हो जाता है ठीक है तो बांग्लादेश ढाका में मुख्यालय हो जाता है सार्क का मुख्यालय कहां पर हो जाता है तो नेपाल काठमांडू में हो जाता है कहां पे

6 जून उन्नीस को गठन हुआ था जब गठन हुआ था तो इसमें चार सदस्य थे कौन कौन सा जो यहां पे नाम ही दिख रहा है ना ठीक है, जब गठन हुआ था तो तीन थे। बी आई एस टी। इसका नाम था बिस्टेक नाम था कौन कौन से चार सदस्य थे याद रखिएगा बांग्लादेश इसी तरीके से याद रखना बांग्लादेश था फिर भारत था इंडिया श्रीलंका और थाईलैंड क्या और थाईलैंड था कितने थे चार थे गठन के समय कितने थे चार थे फिर याद रखिएगा दिसंबर में दिसंबर उन्नीस में एक और देश आया दिसंबर उन्नीस में क्या आया एक और देश आया तब इसका नाम क्या बन गया बिम्स्टेक बन गया बी आई एम एस टी सी -E ठीक है बिम्स्टेक बन गया बांग्लादेश इंडिया एम कौन आया म्यांमार आया ठीक है एम कौन आया यहां पे याद रखिएगा दो चीजों में याद रखेगा म्यांमार और मालदीव कहां पे म्यांमार होगा कहां पे मालदीव होगा ये आपको याद रखना कहां पे म्यांमार होगा कहां पे मालदीव होगा ये याद रखेगा तो यहां पे, आया? यहाँ पे कौन आया यहां पे एम कौन आया म्यांमार आया ठीक है तब इसका नाम कर दिएगा बिम्स्टेक कर दिएगा फिर बाद में दो और देश आते हैं फरवरी दो हजार चार में तो याद रखेगा फिर बाद में दो देश और कौन कौन से आते हैं नेपाल आता है और भूटान आता है नेपाल और भूटान तो याद रखिएगा बिस्टेक था फिर एम आया बिमस्टेक हुआ फिर नेपाल और भूटान आया ये देश याद हो गया फिर उसके बाद सार्क का याद रखिएगा मैंने सार्क आप लोगों को याद रख दिया का कि जो एमबीबीएस होता है बड़ा पेन देता है एमबीबीएस क्या करता है बड़ा ही पेन देता है काहे पेन देता है कहे कि जो एमबीबीएस करता है ना वो बस डॉक्टर बन सकता है और नहीं तो कुछ नहीं बन सकता बाकी इंजीनियर जो किया ना मेरे जैसे लोग वो टीचर भी बन सकते हैं चपरासी भी बन सकते हैं कुछ नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं ठीक है सब बन सकते हैं चलेगा तो एमबीबीएस बड़ा पेन देता है ठीक है तो मैंने एमबीबीएस से बताया था साथ क्या बताया था अब यहां पे याद रखना ठीक है अब आपको यहां पे याद रख रहा है कि यहां पे जो एम है ठीक है सार्क में जो एम है यहां पे सार्क में एम का मतलब मालदीव था यही चीज आपको याद रखना था ठीक है यही चीज आप वहां पर म्यांमार ऑप्शन में दिया था एक हो जाता है बीस से क्या हो जाता है बांग्लादेश हो जाता है एक बी से क्या हो जाता है भूटान हो जाता है एस से क्या हो जाता है श्रीलंका हो जाता है पी से क्या हो जाता है पाक हो जाता है ए से क्या हो जाता है अफगान हो जाता है आई से इंडिया हो जाता है और एन से नेपाल हो जाता है क्या एन से नेपाल हो जाता है एन से क्या हो जाता है नेपाल हो जाता है समझे मेरी बातों को एन से क्या हो जाता है नेपाल हो जाता है फिर इसके बाद साथ ही की बात करता हूं इसमें कितने सदस्य देश हो जाते हैं आठ बीजिंग इसकी क्या हो जाती है मुख्यालय हो जाता है ठीक है बीजिंग इसकी मुख्यालय हो जाते हैं आगे इसके बारे में ठीक है

जितना बोला जाता है ना अगर आप लोग के अंदर पता है क्या है जितना अगर कोई शिक्षक या कोई आपको बताता ना शिक्षक क्या समझिए हम लोग समझिए एक ही एज के हैं दोस्त टाइप के हैं थोड़ा सा ना कोई मेरे एज का होगा पच्चीस साल का होगा कोई छोटा भी होगा कोई बड़ा भी हो सकता है ठीक है लेकिन हम लोग आस पास के एज के तो दोस्त होता क्या ना कि जो बताया जाता है ना उतना अगर कर लिया जाए ना अगर उतना कर लिया जाए ना तो पेपर में आराम से निकल सकते हो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे मैं ये बता रहा था अगर मेरे साथ जो जुड़ा होता ना कि पिछले सब जो बोल रहे ना मेरा पचास नंबर है पचास नंबर है साठ नंबर जो पचास और साठ नंबर बोलते हैं तो इतना गुस्सा आता है ना पचास साठ नंबर तो बस मेरे क्लास से कर सकते थे तुम जीकेजीएस पॉलिटी ये सारे क्वेश्चन कर सकते थे लेकिन एक तो घूमने की आदत हो गई है यहां घूमोगे वहां घूमोगे पढ़ने का मतलब है नहीं क्वेश्चन बस दे दो करके खुश हो जाओगे इजी ओजी वाला अंतर्राष्ट्रीय खगोलिय संघ के मानद सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर के लिए जल्दी से बताएगा और ये किस राज्य से हो जाते हैं और ये किस राज्य से हो जाते हैं और ये किस राज्य से हो जाते हैं चलेगा तो याद रखेगा अंग चुक करके एक व्यक्ति हो जाते डॉर्जे अंग चुक और ये भारत के पहले व्यक्ति ठीक है भारत के पहले व्यक्ति हो जाते हैं जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में शामिल हुए ठीक है याद रखेगा कौन हो जाते हैं सबसे पहले तो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ठीक आई आईएयू इसका साथी गठन कब हुआ तो इसका गठन हुआ साथी 28 जुलाई 1919 19 में गठन हुआ मुख्यालय इंपोर्टेंट हो जाता है मुख्यालय कहां पर है तो याद रखेगा मुख्यालय कहां पर जाता है पेरिस पेरिस फ्रांस में मुख्यालय हो जाता है पे, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय हो जाता है पेरिस किस नदी के किनारे ये भी याद रखेगा और इसके साथ ही जो भारतीय सदस्य से पहली बार बने क्या डॉर्जे अंगचुक बने ये आज नाम अजीब सा लग रहा है लेकिन ये नाम आपको याद हो जाएगा क्या ये नाम आपको याद हो जाएगा आने वाले समय में ठीक है डॉर्जे अंगचुक बने ये नाम आपको अजीब सा लग रहा है लेकिन आने वाले समय में पूरा का पूरा यह नाम आपको याद दिला दूंगा ठीक है चलेगा अगले सवाल की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाता है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाता है ये तो बहुत बात ये भी याद रखेगा ये भी अब इस तरीके से मैंने भी कराया है कि एक यूरोप लिया तो पूरा का पूरा यूरोप करा दिया इस तरीके से मैंने कराया जब यूरोप लिया तो पूरा का पूरा यूरोप करा दिया अफ्रीका लिया तो पूरा का पूरा अफ्रीका करा दिया तो याद रखेगा यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाता है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करता हूं तो कौन सा हो जाता है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट एल्वरेस्ट ठीक है रूस में हो जाता है ठीक है माउंट एल्वरेस्ट ठीक है माउंट एल्वरेस्ट माउंट एलवरेस्ट साथ ही रूस में हो जाता है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है क्या यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत ठीक है माउंट एलवरेस्ट हो जाता है चलेगा यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत आपसे क्या पूछा यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है ठीक है फिर झील भी बता दीजिए सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाते हैं सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाते हैं जल्दी से बताएगा सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाते हैं याद रखेगा लाडोगा झील हो गया लाडोगा झील लाडोगा झील लाडोगा झील सबसे बड़ी झील हो गया नदी कौन सी सबसे यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है यह भी बताएगा यूरोप की सबसे बड़ी नदी आपको पूछा हूं बताया हूं माउंट एलब्रेस माउंट एलबरेस्ट यहाँ के सबसे ऊंची पर्वत हो जाती है माउंट एलवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत इसको फिर से बाद में आप लोग टेंशन मत लीजिए बाद में पूरा पूरा का पुरा करा दूंगा ठीक है बोलगा यहाँ की सबसे बड़ी नदी हो जाती बोलगा यहाँ पे सबसे बड़ी नदी बोलगा यहाँ पे सबसे बड़ी नदी थोड़ा सा आज बोर्ड के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुआ लेकिन फिर भी आप सभी लोग बने रहे बहुत बहुत शानदार तरीके से बहुत बहुत शानदार तरीके से आप लोग बने रहे चलेगा सैन्य अभ्यास दिन ठीक है का, का पांचवा संस्करण भारत और किस देश के बीच में किया अब ये सैन्य अभ्यास हमारे पास बहुत हो गया लगभग अगर लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो सैन्य अभ्यास हो गया पच्चीस तो दो अभी आ गया 25 लगभग 20 के करीब सैन्य अभ्यास 2020 में हो गए 2000 सॉरी 2021 में हो गए पूरा का पूरा ठीक है तो ये सारे के सिरे हम लोग को याद रखना चलेगा तो याद रखेगा सैन्यभ्यास काजिंद का, का सिंपल सी बात है काजिंद सैन्यभ्यास भारत और किस देश के बीच में था काजिंद भारत और किस देश के बीच में सैन्यभ्यास है काजिंद पूछा के ए आई एन डी काजिंद 2021 और याद रखिएगा ये कौन सा संस्करण था पांचवा संस्करण था क्या पे कौन सा संस्करण था पांचवा संस्करण था भारत और किस देश के बीच में हुआ भारत और किस देश के बीच हुआ काजिंद तो याद रखिए का जी किस्तान काजिंद ये याद रखिएगा कैसे

ंद करके एक एक्सरसाइज हुआ मोहित अल हिंद करके अल मोह हिंद मोहेद, मोहेद अल हिंद करके या अल मोहितिंद करके अल मोहित बीच में पहली बार अभ्यास अल मोहित अल हिंद अल अल हिंद दो हजार इक्कीस भारत और किस देश के बीच में पहली बार सैन अभ्यास हुआ था भारत और किस देश के बीच में पहली बार एक साइन अभ्यास हुआ था मोहेद, अल मोह अल हिंद करके अल अल हिंद करके भारत और किस देश के बीच हुआ जायद तलवार जायद तलवार जायद तलवार पांच अभी कराऊंगा पांच धीरे धीरे याद करा दूंगा ना फिर अगली बार जब पांच कराऊंगा तो इसको भी रिपीट करूंगा याद हो जाएगा मत लो ठीक है अल मोहित अल हिंद किसके साथ हुआ यह सऊदी अरब के साथ हुआ यह पहली बार हुआ है तो इसलिए याद रखेगा भारत सऊदी अरब के साथ पहली बार कोई सैन्य अभ्यास किया है तो याद रखेगा भारत पहली बार कोई किया सऊदी अरब के साथ जायद तलवार किसके साथ हुआ जायद तलवार यह भारत और यूए के साथ हुआ है जायद तलवार भारत और यूए के साथ ठीक है जायद तलवार भारत और यूए के साथ सैन्य अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किसके साथ हुआ कोंकण सैन्य अभ्यास भारत और बंगाल किस देश के बीच में हुआ था मैंने क्या क्या कराया काजिंद भारत और कजाकिस्तान खंजर किर्गिस्तान डस्टली उज्बेकिस्तान अल मोहित अल हिंद भारत पहली बार हुआ सऊदी अरब के साथ जायद तलवार यूए के साथ हुआ कोंकण किसके साथ हुआ कोंकण किसके साथ हुआ याद रखिएगा कोंकण ये हाल ही में हुआ हाल ही में हुआ किसके साथ यूके के साथ हुआ था एक अजय वॉरियर भी यूए के के साथ साथ होता है अजय वॉरियर भी ठीक है अजय वॉरियर भी बाकी हम लोग को और भी अलग अलग देशों का बाद में कराऊंगा ठीक है यहां पे ऑस्ट्रेलिया तो मैंने किसी का बताया नहीं फ्रांस कहां से आ गया रे हाँ फ्रांस का तो कितने बार कराया हूं शक्ति बरुड़ गरुड़ डेजर्ट नाइट ये फ्रांस के साथ होता है ऑस्ट्रेलिया कहां से भैया आ गया यूके के साथ है ब्रिटेन के साथ है याद करा दूंगा डेली बनिएगा बस डेली बनते रहेगा ये सारे के सारे याद हो जाएगा ठीक है जब अगली बार पांच कराऊंगा ना तो मेरी आदत है कि पहले इस पांच को बताऊंगा तब आगे पांच कराऊंगा चलेगा अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हाल ही में सीमा सुरक्षा दो चार प्रश्न है बस वही हाल ही में सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बना सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बना सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक किसे बनाया गया चलेगा सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक किसे बनेगा तो पवन कुमार सिंह को ठीक है पवन कुमार सिंह को पवन कुमार सिंह को बनाया गया ठीक है पवन कुमार सिंह को गया जबकि संजय औ को आईटी बीती का हंड्रेड परसेंट आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला सर कौन बनाया ठीक है पहला शहर कौन सा बना हंड्रेड परसेंट आबादी टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर यहां पे शहर शब्द सुनिएगा शहर बोला है भारत का पहला शहर बोला है हैसेकरण वाला हंड्रेड परसेंट टीकाकरण वाला भारत का पहला शहर हंड्रेड परसेंट टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है सर पूछा है बाबाई आ गए ना रत्तू टोटा इंदौर इंदौर रट्टा मारने लगे शहर पूछा है जिला पूछाएगा तब नर शहर पूछा रे गधो तो शहर की बात करेगा तो हंड्रेड परसेंट टीका करने वाला शहर कौन होगा भुवनेश्वर जिला पूछेगा इंदौर राज्य यूटी पूछेगा कौन सा राज्य था यह शासित प्रदेश था जल्दी से बताएगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था सर मंदिर करना है दोस्त तो मंदिर करवाऊंगा ना पांच वो जो लिस्ट बना लिया है ना तो पांचों का लिस्ट रखे रहो ठीक है अगली बार पांच उसमें आगे करवा दूंगा कि आज ही पांच करना है ठीक है समय बचता है तो आज ही करा दूंगा करा दूंगा भाई टेंशन क्यों ले हो बहुत समय हमारे पास है उसको याद भी कराऊंगा तुम टेंशन मत लो यूटी कौन सा हो जाता है लद्दाख चलेगा Eh? चर्चा में रहा नेशनल पार्क कहाँ पर है यह असम कहा जाता है ठीक है असम कहा जाता है कल से फिर हम लोग असम के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जो ओरेंग नेशनल पार्क है आज के न्यूज में है कि ओरेंग नेशनल पार्क को साथी क्या कर गया राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है उसको ऑफिशियली तरीके से ओरेंग नाम करने के लिए असम सरकार ने बिल पारित कर दिया क्या असम सरकार ने बिल पारित कर दिया है

याद क्या रखना धीरे धीरे याद करते चलेगा तो भारत में साथी जो दो गोल्ड आया पैरा एथलीट में ठीक है पैरा में साथी जो दो गोल्ड आया पहले इनका नाम याद रखेगा सुमित अंतिल करके एक तो गोल्ड किसके द्वारा आया सोना जिसके द्वारा आया पहले इसके बात करते हैं जिसके द्वारा गोल्ड मेडल आया सोना आया गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जो आया एक तो आ है सुमित अंतिल सुमित अंतिल हो जाते हैं और एक हो जाते हैं साथी औवनी लखेरा ठीक है लखेरा सुमित अंकिल अंतिल और आवनी लखेरा ये दो लोग क्या लाए हैं गोल्ड मेडल लाए हैं ठीक है, है ठीके? दो लोग और किस तरीके से मैं याद करा दूंगा बस देखते रहना किस तरीके से याद होगा सुमित अंतिल किस खेल में लाए हैं तो ये भाला फेक मेला है कहाला फेक में लाए हैं किस राज्य से बिलोंग करते हैं यह हरियाणा से बिलोंग करते हैं कहां से हरियाणा से बिलोंग करते हैं औनी लखेरा कहां से लाए हैं तो ये शूटिंग में लाए हैं कहां पे शूटिंग में और ये किस खेल से बिलोंग करती है ये राज्य किस राज्य से बिलोंग करती है राजस्थान ऐसा करना एक टेबल ऐसे बनाते रहेगा। यहां पे खिलाड़ी का नाम लिख लीजिए ठीक है तो गोल्ड और यहां पे खेल और राज्य आज मैंने क्या कराया आज मैंने आपको कराया ये ठीक है अभी ग्रुप में स्क्रीनशॉट आपको कर में स्क्रीन शेयर कर दूंगा ठीक है ग्रुप में स्क्रीन शॉट शेयर कर दूंगा इसका पूरा का पूरा ग्रुप में पूरा का पूरा स्क्रीन शॉट शेयर कर दूंगा जितने भी खिलाड़ी दस बारह पहले दस है उनका स्क्रीन शेयर कर दूंगा इसमें लिखा हुआ मेडल खेल और राज्य ये यही पूछेगा ठीक है इतना पूछेगा यार कैसे कोल्ड सा सर्दी सा होने लगा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ठीक है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाएगा ठीक है एक तो दो तरीके से टैक्स होते हैं टैक्स कितने तरीके से होते हैं टैक्स कितने तरीके से होते हैं है? दो तरीके से टैक्स होता है एक बेदर्दी वाला टैक्स एक दर्द वाला टैक्स टैक्स दो तरीके से होता है एक दर्द वाला टैक्स पूछेगा कि दर्द वाला टैक्स कौन सा हो जाता है एक बेदर्दी वाला टैक्स हो जाता है मतलब कि दर्द ये ज्यादा नहीं देता है एक वो टैक्स हो जाता है कि टैक्स तो हम लोग भरते हैं ठीक है लेकिन दिखता नहीं है उसको बेदर्दी वाला मैं टैक्स बोलता हूं ठीक है इसको क्या बोलता हूं बेदर्दी वाला टैक्स बोलता हूं अप्रत्यक्ष कर बोलता हूं ठीक है दर्द वाला टैक्स कौन हो जाता है प्रत्यक्ष कर हो जाता प्रत्यक्ष कर ठीक है इसको क्या करते हैं हम लोग भरते ही हैं ठीक है थीके? और बेदर्दी वाला टैक्स कौन हो गया जैसे हम लोग कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं ना तो उसमें भी टैक्स वगैरह रहता है ठीक है चलेगा तो ये सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ठीक है डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज सीबीडीटी के जो बने याद रखिएगा इससे पहले पीसी मोदी करके थे ठीक है इससे पहले पीसी मोदी थे को उनका कार्यकाल खत्म हो गया था फिर उसके बाद जीबी मल्होत्रा को जेबी मल्होत्रा को, मल को, मल को जबकि आपसे पूछेगा प्रत्यक्ष करके कौन अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के कौन हो जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के कौन हो जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के कौन हो जाते हैं तो याद रखिएगा अजीत कुमार करके इनडायरेक्ट टैक्स के कौन हो जाते हैं तो अजीत कुमार हो जाते अन इनडायरेक्ट टैक्स के कौन हो जाते हैं अजीत कुमार करके हो जाते हैं अजीत कुमार चलिए तो दो तरीके के टैक्स होते हैं ठीक है दो तरीके से टैक्स हो जाते हैं जा, दो तरीके से टैक्स हो जाते हैं चलेगा दो तरीके से टैक्स होते हैं हाँ जी तो कैसा लगा Elijah, क्लास कैसा रहा ओवर भी बताइएगा कि क्लास कैसा लगा कितना आया समझ में कैसा लगा और जो लोग पहली बार बार आना पड़ेगा तब याद होगा ठीक है आना पड़ेगा चीजों को याद करना पड़ेगा और डेली रहोगे तब अब बताओ कैसा लगा क्लास हाँ एक कब से पूछ रहा था कि सर अब ऑफिस का टी शर्ट चेंज हो गया क्या कहेगा पढ़ाई से रिलेटेड पूछा करो ना सर पिंक पहन कर आए हैं मैडम ने बोला है क्या हाँ हाँ मैडम ने बोला है जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है ना उसी मैडम ने मुझे बोला था यहाँ पे समय नहीं मिल पा रहा कि चलो चलेगा क्लास कैसी लगी साथी बताएगा क्लास कैसी लगी ठीक है और कमेंट करके जरूर बता दिया कीजिए जब क्लास स्टार्ट होती है मतलब कि जब ये क्लास खत्म होती है तो उसके बाद ना कमेंट करके बता दिया कीजिए मैं ना आपको कमेंट पढ़ता हूं रात में जैसे अभी क्लास होता है तो आधे घंटे बाद कमेंट पढ़ूंगा दो बजे फिर कमेंट देखता हूं और एक बार सुबह में कमेंट देखता हूं और एक बार जब सुबह में सो कर जाता हूं दो बजे तब भी कमेंट देखता हूं मतलब कि तीन चार बार कमेंट देखता हूं कि कहीं किसी को, को दिक्कत कोई दिक्कत वगैरह कोई परेशानी तो नहीं है ना ठीक है चलेगा तो साथ ही क्लास देखिएगा कुछ लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा जिस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ाता हूं लेकिन यही आपके लिए फायदेमंद होगा ठीक है यही आपके लिए फायदेमंद होगा अगर इसको दिल से पढ़ोगे तो समझते हुए जाओगे तो तो जितने लोग साथ अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई है तो ठीक है पसंद आई तो बाकी फिर से आज वही रिक्वेस्ट है कि आज हम लोग इक्कीस सौ थे कल हमारा टारगेट इक्कीस सौ प्लस होना चाहिए इक्कीस सौ पचास होना चाहिए बाईस सौ होना चाहिए और ये कौन करेगा आप करोगे और पूरा का पूरा विश्वास है कि आप ये करोगे ठीक है तो जितने साथी नए लोग जुटते जा रहे हैं क्लास को शेयर करते जाएगा ठीक है चलेगा चलेगा तो स्वस्थ रहेगा मस्त रहेगा मिलते हैं साथी कल सुबह में हाँ जी अब सुनिए एक आपके लिए एडिटर जी थोड़ा सा दिखा दीजिए बगल में वही कॉर्नर में कीजिए रात में दस बजे ठीक है अरे यार चलेगा, पांच पैतालीस पे सुबह में फिर छह बजे साथी करंट अफेयर विवेक सर के साथ और मैं क्या बता रहा था कि एगारह तारीख ठीक है पांच तारीख को पांच तारीख को सुबह में संडे को ठीक है संडे को साथी एगारह बजे जरूर जड़ेगा यूपी ट्रिपल एसी पीट के बाद तैयारी के बाद लेखपाल की बारी क्या लेखपाल के बारे तो लास्ट में जो मैं आपके सामने बोला था गुड नाइट रात्रि जय हिंद कमेंट करके सभी लोग बताएगा क्लास कैसी लगी जय जै, जय हिंद गुड नाइट रात्रि सुबह में पांच पैंतालीस में मिलते हैं धन्यवाद